सरकार ने यहाँ से अरे यही बुला लेते हैं यहाँ पे हाँ he's not I already said himself bite सर बोल बोलोगी तुम लोगों को यार मैं सुधीर बोलूँ अरे नहीं कुछ वेज होगा तो प्लीज दे आना ये एक्साइटेड है तो आप इसीलिए आए हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म है आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फिल्म आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक्टिंग बहुत अच्छी होगी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होंगे स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होगा कैरेक्टराइजेशन अच्छा होगा बनाने का अंदाजे बयां बहुत अच्छा होगा और देखिए मतलब खुद भी तो निर्णय लेना पड़ता है ऑस्कर तो मिला है तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है No. I like movies, you know. मैं दर्शक भी हूँ मैं फिल्मों में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिल्में देखनी अच्छी लगती हैं किसी और की फिल्म को आप क्यों बनाएंगे दोबारा क्या मेरे पास कहानियाँ नहीं मैं तो कहानीकार हूँ यार मैं फिल्में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ अब मैं दूसरी कहानी क्यों सुनाऊँ दूसरी कहानी मैं ताली बजाऊँगा खड़े होकर और मुझे बतौर दर्शक वो मज़ा देगी जिसलिए मैं फिल्म बनाता हूँ क्योंकि दूसरों को मज़ा दूँ इस तरह से मुझे भी कोई मज़ा दे और मैं फिल्म देखूँ और खुश हूँ और उससे कुछ सीखूं शायद और हमेशा एक आपकी विरासत बन जाती है वो फिल्म और आप सीखते हैं बहुत कुछ दूसरों से हो सकता मैं सीखूं बोली किस तरह से सुधीर मिश्रा की मैं तो भैया हूँ यूपी का हूँ तो मैं तो बहुत मनाता हूँ एक ज़माने में बच्चन साहब के यहाँ जाते थे कैफी साहब जब तक जिंदा थे तो उनके यहाँ जाते थे क्योंकि वो एक घर था यूपी का उधर होली दिवाली सब मनाते हैं जावेद साहब शबाना के यहाँ जाते हैं हमेशा बहुत मज़ा आता है अपने घरों में भी मनाते हैं वो पूरी जिस तरह की यूपी की होली होती है बिगर देन दैट वे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं कभी मिलता है कभी नहीं मिलता वो और आपको रहमान को हम थोड़ी ना बड़ा मानते थे क्योंकि ऑस्कर मिला था हम तो पहले से ही बड़ा मानते थे अभी बड़ा मानते हैं जब नहीं मिला था औरतों के बारे में जितना मैं क्या कहूँ मतलब इसमें कहना क्या है मुझे तो समझ नहीं आता एक दिन क्या मतलब हमारे हम सफ़र हैं और जैसे हैं खूबसूरत हैं ज़्यादा हों दुनिया में नहीं ये सारी ज़िंदगी की टीम की तरफ से हम तो फिल्मों बनाते हैं ऐसे जिसमें औरतों का बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी औरतें जो जिनसे हमारी वाकफियत रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड इंडिपेंडेंट औरतें रही हैं और हम उनके साथ हमेशा ज़िंदगी जिस तरह से बिताई वैसी हम उनको दर्शाते हैं स्क्रीन पे और अब मेरे ख्याल से ज़माना अब ऐसा है जब आपको इंडिपेंडेंट औरतें दिखेंगी स्क्रीन पे जैसे कि जैसिका में दिखी जैसे कि ये सारी ज़िंदगी में दिखी जैसे अनुराग कश्यप की फिल्मों में दिखती हैं तो एक अलग अपने सोच लेके और इंडिपेंडेंट औरतों का ज़माना मेरे ख्याल से आ रहा है और वो थोड़ा देर हो गई है बहुत पहले आ जाना चाहिए